किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के तोफापुर गांव में। यहां पे एक पिग फार्म है। इस फार्म का आज आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे। ये फार्म कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है। फार्म के ऑनर जी मेरे साथ है, इनसे पूरा परिचय लेंगे और यही पूरा आपको डिटेल बताएंगे कैसे कैसे फार्म को ये मैनेज कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी नमस्कार सर, अपने बारे में बताया, अपना परिचय बताया किसान भाइयों को। मेरा नाम अमरनाथ मौर्या पड़ेगा और बनारस के तोफापुर गांव में ये हमारा पिग फार्म है। बात करें तो बीएचयू से हमने पढ़ाई कर रखा है। अच्छा, पीजी बीएचयू से किया है। करने के बाद हमको ऐसा लगा कि सारे युवा जिस लाइन में जा रहे हैं हमको एक अलग लाइन में जाना चाहिए, तो हमको ये बिजनेस अच्छा लगा पिग फार्मिंग। तो समथिंग 2 साल हमको होने को है, 2 साल से कंटिन्यू हम पिग फार्म। तो सर बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद इस लाइन में कैसे आए, कैसे ये विचार आ गया मन में फिर? यही तो बात है, यही तो बात सब लोग बोलते हैं कि आप बीएचयू से पढ़ाई की है तो नौकरी खोजना चाहिए, यहाँ पे क्यों आ गए? वही तो, इतने अच्छे संस्थान से पढ़ाई करने के बाद फिर इस फील्ड में कहाँ से आ गए फिर? नहीं सही है, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि इंटर से ही हमको गवर्नमेंट जॉब का सपना नहीं था। अच्छा, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज तक एक भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं भरे। अच्छा, एक कोई भी कर दे चाहे हमारे फॉर्म से कोई भी कर दे, नहीं आप एक फॉर्म भरे हो, नहीं एक हम एग्जाम दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, नहीं एक फॉर्म भरे हैं। अच्छा, सपना था कि हमको 20-21-22 साल की उम्र से ही अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है। बताना चाहेंगे कि स्टार्ट जब किए थे आज के 2 साल पहले तो स्टार्टिंग पूंजी 3 लाख रुपए लगाए थे हम किसी भी तरह से इधर उधर करके। आज के डेट में हमारा जो टोटल यहाँ पे बात करें असेट्स की लाइफ स्टॉक प्लस साइड मिला करके तो वो आपका 50 लाख प्लस पहुंच चुका है। मतलब 2 सालों में 3 लाख से 50 लाख तक पहुंच गया मेहनत करके। तो सर जो शुरुआत किया 2 साल पहले तो फिर ट्रेनिंग वगैरह कुछ किए थे इसके लिए? नहीं सर, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं किए थे, बस यही एक ही सहारा था यूट्यूब, वहाँ से अपना कुछ वीडियो वगैरह देखते थे। कुछ भाई लोग थे जो कि बगल के फार्म वाले कुछ उनसे। हाँ। और हमको ये एक सपना है कि जिससे जिस रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं तब उनके पैरों के निशान को हमको देख के कॉपी नहीं करना है, हमको खुद का एक निशान बनाना है, इसलिए हम अपना खुद से ही बिना ट्रेनिंग लिए काम को आगे बढ़ाए। तो सर जब शुरुआत आपकी 3 लाख इन्वेस्ट करके उसमें कितने पिग लेके आए थे, कौन से ब्रीड लेके आए थे? क्योंकि जब स्टार्टिंग किए थे तो हम एक साइड बनवाए थे जिसमें कि 15 फीमेल लाए थे, एक मेल लाए थे। अच्छा, और आज के डेट में उसी से बढ़ते बढ़ते जो है कि 300 प्लस एनिमल की संख्या हो गई। अच्छा, तो सर 3 लाख से ही स्टार्ट किए थे आप, तो सेट पे कितना खर्च हो गया था और पिक लेने में क्या खर्च हो गया था आपका उस टाइम पे लगभग? देखिए साइड हमारा पहले से बना था। अच्छा, बना था मतलब पोल्ट्री का साइड था। अच्छा, उसको हमने बस मॉडिफाई करा था तो वहीं वगैरह 1.5-2 लाख रुपए साइड में आया था और 1.5 लाख का जानवर लाए थे और सीड में वहीं जो भी खर्चा हुआ हो। तो स्टार्टिंग तो 3 लाख से हुई थी, फिर धीरे धीरे उसकी जो एक कॉस्टिंग बढ़ती गई। तो सर कैसे यहाँ तक ग्रोथ की, जब आप 15-20 पीक ही लेके आए थे और धीरे धीरे 2 साल में कैसे इन्वेस्ट को बढ़ाया था, आपने बताया बताइए उसका। देखिए ग्रोथ की बात करें तो दुनिया में बहुत सारा बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है कि आज आप उसमें इन्वेस्ट करोगे कल से आपको बेनिफिट देना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ में होता है कि 6 महीने बाद देगा, कुछ में 1 साल बाद, लेकिन पिगरी ऐसा है कि इसमें आपको कम से कम डेढ़ साल आपको पैसे से बनाकर रखना होगा। और पूंजी नहीं है तो आप पिग फार्म नहीं चला सकते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि 90% फार्म फेल हो रहे हैं, 10% ही पिग फार्म बस चल रहे हैं, बाकी सब बंद हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 15 फीमेल लाया और 1 मेल लाया, साइड में डाल दिए और क्या हुआ कि 114 दिन बाद बच्चे दिए उसको। हाँ। क्रॉसिंग कर रहे हैं उसके 114 दिन बाद बच्चे हैं। उस बच्चे को फिर हमने अलग साइड बनवा के डाला, उसमें फिर उसको फीड प्रॉपर फीड देना स्टार्ट किए और बच्चे 6.5 से 7 महीने में 90 से 1 क्विंटल का एवरेज आए। जब उसको हम बेचे तब जाके हमको प्रॉफिट स्टार्ट हुआ। अच्छा, और वो बेचे नहीं तब तक उससे पहले ही 114 दिन में क्रॉसिंग कराए, उसके बाद फिर से फीमेल फिर से बच्चे दे दिए। हाँ। तो अगर 15 फीमेल है एवरेज मिनिमम 7 का भी मानिएगा तो समथिंग 100 प्लस बच्चे फर्स्ट टाइम में, 300 प्लस 200 ऑटोमेटिक हो गए। तो सर जैसा बता रहे 90% फेल हो जाते हैं, 10% ही चल पाते हैं, तो मेन रीजन फेल होने का क्या होता है, कहाँ पे वो लोग चूक कर जाते हैं, कहाँ पे मिस्टेक होती है उनसे? देखिए रीजन तो बहुत हो सकता है लेकिन हमारे हिसाब से जहाँ है सबसे पहला क्या है कि कुछ लोगों की बातों में आके फॉर्म खोल लेते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के कि लाखों कमाइए करोड़ों कमाइए। हाँ, इसलिए हम जो भी चीजें आपको बोलेंगे जेन्यून चीज बोलेंगे कि इसमें लाखों करोड़ों की कमाई नहीं है। और दूसरा क्या है कि इसमें बहुत मेहनत। अच्छा, हर वीडियो में आप सुनेंगे कि लेबर कॉस्ट नहीं है, ये नहीं है फलन, लेकिन हम जानते हैं इसमें बहुत मेहनत है और आपका पिग फार्म तभी चलेगा जबकि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो, भले ही आपका काम लेबर करे लेकिन काम करते समय आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद फेल होने का मेन रीजन ये है कि पिग फार्म एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस है। अच्छा, इसके लिए नहीं प्रॉपर आपको डॉक्टर मिलेंगे, नहीं प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी, नहीं प्रॉपर फीड मिलेगा और नहीं इसके प्रॉपर वैक्सीन मिलेगा। अच्छा, इसलिए आपको सब कुछ अपने से खुद सर्च करना पड़ेगा या तो फिर किसी दूसरे जैसे कि एनिमल का दवा है उसको आपको उस पर ट्राई करना होगा, सूट किया तो फिर उसको चलाइए, नहीं सूट किया तो फिर उसको चेंज कीजिए। अच्छा, ये चीज़।
तो सर अभी आप कौन कौन से ब्रीड पे काम करें, कौन कौन से ब्रीड है आपके पास? अभी तो हमारे पास लार्ज व्हाइट था और लैंडोस था, अभी इधर बीच हम एक ब्रीड लाए हैं जो कि है तो ऐसे ही, बस उसका कलर चेंज है, काला है और थोड़ा सा काला व्हाइट उसे मिला करके, लेकिन हमारे हिसाब से इंडिया के इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा लार्ज व्हाइट है और आगे हम इसी पे काम भी करें। अच्छा, तो लार्ज व्हाइट और लैंडोस दो ब्रीड आप बता रहे हैं, दोनों में से बेस्ट कौन सा है आपके अनुभव के हिसाब से अभी तक? देखिए दोनों में से बेस्ट तो लार्ज व्हाइट है। अच्छा, लार्ज व्हाइट को कोई काट नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पिगलेट उसमें अधिक आते हैं, वेट जल्दी ग्रोथ करते हैं, लंबाई, बॉडी की हाइट, सब कुछ उसका अच्छा रहता है। प्लस इंडिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका लार्ज व्हाइट ही सूट करेगा। अच्छा जी, तो सर आपके बात करते हैं फीडिंग प्लान के बारे में, तो आपका यह फॉल का फीडिंग प्लान क्या रहता है, कितने टाइम फीड देते हैं, कितना फीड उठा लेते हैं लोग एक दिन में? बताना चाहेंगे आपको कि स्टार्टिंग जिस दिन से हम स्टार्ट किए थे अपना फॉर्म, स्टार्टिंग से ही फीडिंग हम खुद का अपना बना रहे हैं। अच्छा, एक भी कंपनी का एक भी बैग या फिर एक भी फार्म वाले से फीड हम नहीं लिए, मेडिसिन भले ही लिए होंगे लेकिन फीड हमने खुद का अपना बना लिए, भले ही उसमें इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे हुआ लेकिन फीड हम खुद बनाते हैं। हमारा फॉर्म जो है टोटल ड्राई फीड पे है, उसमें जो एक भी होटल वेस्ट नहीं है। अब ड्राई फीड की बात करें तो पहले तो हम खिलाते थे मक्का, सोया, किनकी, पॉलिश और उसके बाद मेडिसिन, नमक वगैरह साल्ट से मिलाते थे, लेकिन आज के डेट में हमको लगा कि उसकी कॉस्टिंग बहुत है, भाग रहा है, तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा तरीका अपनाया है, जो गांव में पालिस होता है या कन्ना होता है ये जाता है राइस मिल में, वहां से तेल निकलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं DORV, मतलब कि तेल निकलने के बाद जो बचा है वो लाते हैं और उसमें दवा मिलाते हैं। कभी कदार देखते हैं जब बच्चे कमजोर हो गए हैं तो उसमें अपना जो है कि सोयाबीन की खली या फिर सरसों की खली या फिर कुछ और प्रोटीन वाली चीज डाल देते हैं ना, वही उसी पे मेरा चल रहा है और वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे जानवर की क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है। सर एक दिन में लोग जो बड़े पिग हो गए हैं 50 kg से ऊपर हो गए हैं, लोग कितना फीड उठा लेते हैं लोग? देखिए जो फीड कंज्यूम की बात करें तो वो बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अच्छा, बॉडी वेट जो भी होगा पिग का उसका 3-4% फीड हो जाएगा। अच्छा, खाने के लिए तो 6% भी खा जाएगा लेकिन वही है कि उसको आप ज्यादा खिलाएगा तो आपको लॉस दिख जाएगा। तो करते क्या है, हम लोग हर केबिन के पिग, एक पिग दो पिग उठाते हैं और उसका बॉडी वेट कर लेते हैं, उसी रेशियो में 3-4% उठा के उसको डाल देते हैं फिर। जैसे कि आप मान लीजिए अगर 1 क्विंटल का ठीक है, 1 क्विंटल का 3% निकालेगा, 3 किलो आया, तो 3 किलो को हम लोगों को 2 टाइम देना है तो डिवाइड कर देंगे 200 से, 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम। सर पिग फार्म का जब भी नाम आता है तो लोग थोड़ा सा इससे झिझकते हैं खुलने से, इसका धंधा करने से बचते हैं, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है पता नहीं, क्या मन लोग मन में आता है, गंदगी होती है, क्या होता है? आप जब स्टार्ट किए तो फैमिली का क्या सपोर्ट था, फैमिली क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? देखिए स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हमको मनाना पड़ा फैमिली वालों को, लेकिन हम लोग मेहनत करके पैसा कमा के खाने वाले लोग, हम लोग को मतलब कि अपना पर्सनालिटी बनाने से जरूरी है कि हम लोग को मेहनत करना है, किसान आदमी हम लोग हैं ही। रह गई बात कि कुछ लोग का इसके पीछे नेगेटिव थिंकिंग है कि अरे शुगर है, ऐसा है वैसा है, क्यों नाम से ही थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि मार्केट में जो देसी शुगर है वो सब अपने आप को इस तरह से बिहेव करते हैं, उसको लोग के मतलब उसको देख के लोग के माइंड में ऐसा आता है। अब जैसे कि आदमी ही है, कुछ तो पागल भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, तो हम तो सबको नहीं बोल सकते हैं कि यार ये भी पागल वाला काम कर रहा है, हम तो अच्छे हैं। बाकी हम जो काम कर रहे हैं ये आपका जापान का पंजाब का ब्रीड है, मस्त का, एक नंबर का, और जो है कि ये आने वाला समय का बहुत ही अच्छा बिजनेस, अच्छा काम होने वाला है, ये जान लीजिए। और इसके बाद जो लोगों के माइंड में है कि नहीं ये पिग फॉर्म कर रहा है, तो उनको मैं ये मतलब चैलेंज दे सकता हूँ कि आने वाले समय में शायद मैं इतना मतलब इतना इससे डेवलप और ग्रोथ करूंगा कि शायद किसी बिजनेस से आप खुद नहीं कर पाइए। अच्छा, साथ में और थोड़ा हम दूसरे बिजनेस की बात करते हैं, गोट फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, जैसा आप बता रहे हैं आपका पहले पोल्ट्री फार्म ही था यहाँ पे, उसको बंद करके तब पिग फार्म स्टार्ट किया है, तो इन सब में से बेस्ट कौन सा है आपको, क्या अच्छा लगा अभी तक? देखिए हम गोट फार्म भी सर्च किए थे। अच्छा, पोल्ट्री फार्म तो कंटिन्यू आपका 12 साल से चला है। अच्छा, और इसके बाद आपका ऑलराउंड आपको बता दें, ऑलराउंड जितने भी फार्मिंग से चाहे मछली पालन लीजिए, चाहे बत्तख पालन ले लीजिए, जो प्रॉफिट का रेशियो था, है तो नहीं कह सकते, था पीक में सबसे अधिक था। अच्छा, लेकिन आज के रेट में थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट, फीड का रेट, मेडिसिन का रेट बढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे हिसाब से ऐसा लगा जाए कि इसका टक्कर उस नहीं दे पाए। जब शुरुआत की 2 साल पहले, तो आपको उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन सी परेशानियां आई उस टाइम पे आपको? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि हम फीड में क्या दें, कितना कितना क्वांटिटी में क्या दें,
नमक कितना डाले, दवा कितना डाले, कहाँ से उसको उठाएं, देने वाले कई लोग हैं, किसका बेस्ट है किसका बेस्ट नहीं है। अब एक दिन में तो पता चलेगा नहीं कि उसको जीप पे रखे उसका टेस्ट हमको मालूम चलेगा। वो तो लाएंगे ट्रायल करेंगे, अच्छा बीच में हमको नुकसान भी हुआ था, कुछ बच्चे भी मेरे पैदा हुए थे, तो हमको वहाँ सीख मिली। करने का मतलब ये है कि ये आपको खुद से करते करते सीखना पड़ेगा। तो जो नया किसान भाई देख करके आपका वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है, बच्चे लेकर के स्टार्ट करें या बड़े लेकर स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? देखिए नए किसान भाइयों को तो हम यही कहेंगे कि आप कहीं से प्रेग्नेंट फीमेल लेकर तो कदापि फॉर्म नहीं स्टार्ट करें। ठीक है, सभी यूट्यूब वीडियो वाले यही प्रमोट करते हैं कि आप प्रेग्नेंट मादा लेके आइए, आपके यहाँ बच्चे भी देगी, आप उसके बाद आगे चलिए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल से फॉर्म स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप या तो छोटे बच्चे उठा लीजिए, या तो आप फीमेल उठा लीजिए, जैसे कि 20 केजी से ऊपर, चाहे तो फिर 80 90 एक क्विंटल फीमेल उठा लीजिए और फिर दूसरे फार्म से मेल उठाइए, उठा करके अपने आप खुद अपने आंखों के सामने क्रॉसिंग कराइए, उसके बाद जो है कि आप आगे स्टेप बाय स्टेप जाइए। अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप फीमेल ले लीजिए, अगर आपके पास पूंजी ज्यादा है तो आप ढेर सारा बच्चा 10-20-50 ला लीजिए, उसमें से फीमेल निकाल लीजिएगा, बच्चों को फिर बेच लीजिएगा, उसको आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में पैसे देके लगाना होगा। अभी तो शायद हमारे हिसाब से इंडिया में मैक्सिमम 99% फाइव कर सकते हैं कि लोग मेल से क्रॉसिंग कराते हैं, माउंटिंग कराते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शायद अगली बार आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम अभी गए थे हरियाणा ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम एआई करने जा रहे हैं अपने फॉर्म पे। अच्छा, एआई की बात करें तो हम जो है कि मेल का सीमन निकाल करके फीमेल को कैप्चर के माध्यम से उसको हम प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि अब मेल को भी उसके पास ले जाने की जरूरत नहीं। ये पीक फार्मिंग साथ पहली बार लगभग हो रहा है, बहुत कभी देखने को मिलता है, अभी शायद कहीं भी नहीं, आप देखे होंगे नहीं सुने होंगे, लेकिन पहली बार सुन रहे हैं, कई फार्म पे हैं, पीक फार्म पे पहली बार सुन रहे हैं। तो मेरे यहाँ उसका जो है सामग्री सब आ चुका है और अगले मंथ में जुलाई में हम उसको जो है कि स्टार्ट भी कर देंगे, तो उसका वीडियो भी आप लोग को बना के देंगे कि हमारे यहाँ जो है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टार्ट हो गया। उससे क्या होगा कि हमको पिगलेट का जो संख्या है अधिक मिलेगा, ये कहीं मेल से पूरा फॉर्म चलेगा, ये कहीं दिन हम चाहेंगे तो 10 फीमेल को क्रॉस कर सकते हैं ये कहीं मेल के सीमन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सीमन जिस जगह पर पहुँचनी चाहिए फीमेल के यूट्रस में, वहाँ वो पहुँचेगा ऐसे। वैसे क्या है, हम तो देख तो है नहीं ये चीज़ें, और उस सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे जो है कि उसको देख पाएंगे कि उसकी सीमन की क्वालिटी क्या है। अच्छा, उसको पहले हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, बेस्ट क्वालिटी तभी उसको हम वहाँ पे इनअप करेंगे, नहीं तो फिर अपने मेल को चेंज कर टेस्ट कर लेंगे। मतलब ये सब सुविधाएं आपके यहाँ आई कि अगले महीने शुरू हो जाएगी? एक महीने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट रहेंगी और भगवान चाहेंगे आप लोगों का साथ रहेगा तो एक साल बाद आपको इससे भी बड़ा फार्म जौनपुर में देखने को मिलेगा। अच्छा, वहाँ भी स्टार्ट करेंगे आप? जी जी, जो वहाँ पे मतलब 4 बीघा जमीन लेके छोड़ दिए हैं और जहाँ तक उम्मीद है कि अगले साल से वहाँ पे भी साइड बनना स्टार्ट होगा। अच्छा, उसका सबसे लास्ट में बात आती है मार्केटिंग की, मार्केटिंग कैसे मैनेज करते हैं, सेल कहाँ करते हैं? देखिए बोलने के लिए लोग यही बोलते हैं कि इसका सेलिंग का समस्या नहीं है, लेकिन हम आपसे बोलते हैं कि इसका सेलिंग का समस्या है। जी, समस्या उसके लिए है जिसके पास की 2, 4, 5, 10 बच्चे हैं, छोटा फार्म जो स्टार्ट किया, छोटा किसान, या तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, आप अगर 120 में बेचेंगे 100 में बेचेंगे तो आपके अगल बगल के जो कटिंग वाले ले लेंगे, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब आपके पास 50+100, 150, 200 की लॉट एक साथ रेडी होगा तब आपके लिए बड़ी गाड़ी आएंगी, तब सेलिंग समस्या नहीं है। हाँ, हालांकि पैसा तो आपको कैश मिलेगा उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यही है कि आपके पास कम जानवर है तो फिर आपको सेलिंग में समस्या आएगा नहीं आएगा जी, या तो फिर आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, कम रेट में बेचना जी। अब अगर बात करें कि नहीं हम बस बेचना है, रेट से मतलब नहीं है, तो फिर सेलिंग में समस्या भी नहीं है। ठीक है सर, जाने के धन्यवाद आपका। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया।